तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A42 5G के बारे में। वैसे सैमसंग ने लास्ट मंथ गैलेक्सी A42 को कंपनी की ओर से आने वाला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन डिक्लेयर किया था, तो अब गैलेक्सी A42 के कलर वेरिएंट्स और इसके लॉन्च डेट के डिटेल सामने आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A42 5G के सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और साथ ही जानेंगे कि यह इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियोज देखते रहने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें 6.6 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले होगी और यह वाटर ड्रॉप डिजाइन के साथ आती है। तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसके कैमराज के बारे में बात करें तो सैमसंग ने इस बार रियर कैमरा डिजाइन में थोड़ा चेंज किया है। इसके रियर में स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिनमें 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। अब नेक्स्ट इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम का न्यू स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया 5G प्रोसेसर है जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 और वन यूआई 2.5 के साथ आएगा। वहीं अब अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो उसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब फाइनली बात करें इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो ऐसे लीक सामने आ रहे हैं कि नवंबर के स्टार्टिंग से यह स्मार्टफोन जर्मनी में सेल पर जाने वाला है, लेकिन इसके इंडिया में लॉन्च को लेकर अभी कोई ऑफिशियल डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यह नवंबर के मंथ में ही इंडिया में देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस 30,000 के अराउंड रहेगा। अब देखते हैं सैमसंग इसे किस प्राइस में और कब तक इंडिया में लाता है, जिसकी डिटेल आपको न्यू वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको अपकमिंग सभी स्मार्टफोन्स के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।